सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बराबर ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें 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 कौन मैं बता दूं, लीनियर इक्वेशन मतलब इस तरीके से कुछ तो दिखेगा, ऐसा इक्वेशन होगा, बताऊंगा, ध्यान देना यहाँ पर। अब उसमें दो सिस्टम्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस में मेन, एक होता है नॉन होमोजेनियस और दूसरा होता है होमोजेनियस, बराबर। इक्वेशंस को नॉन होमोजेनियस कब कहेंगे, मान ले मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y + z = 2, 3x + y - 2z = 3, 4x - 2y + z = 5। तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजेनियस। क्यों क्यों, और ये होमोजेनियस कब हो जाएगा, अगर राइट साइड में मैं यहां पर अगर 0 0 लिख देता हूं तो ये बन गया होमोजेनियस। ये तो बहुत आसान है सर आइडेंटिफाई करना, बराबर। तो ये पहले, सबसे पहले हम नॉन होमोजेनियस को देखेंगे। तो क्या देखने वाले हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब जनरल इक्वेशन अगर इसका बनाना है तो एक कोएफिशिएंट उसके साथ वेरिएबल, कोएफिशिएंट उसके साथ वेरिएबल, कोएफिशिएंट उसके साथ वेरिएबल, कितने भी हो सकते हैं, और राइट साइड में एक कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसको ले लो, बराबर, ओके, ऐसे कितने भी इक्वेशन हो सकते हैं। अब इसको मुझे करना क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वो जो मैट्रिक्स होगा उसको हम ए नाम दे रहे हैं। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सारे कोएफिशिएंट्स उठा के डाल देने उसमें, सारे कोएफिशिएंट, कौन से a11 a12 a1n, इधर का कोएफिशिएंट सिर्फ बात कर रहा हूं, वेरिएबल नहीं, मतलब इसमें क्या आएगा 2 3 1। अब और एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें एक ही कॉलम होगा, उसमें क्या बनेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स। इसमें कौन से वेरिएबल है, x1 है, x2 है, up to xn। इसमें कौन से वेरिएबल है, xyz, तो यहां पर आएंगे वो वर्टिकली। और राइट साइड में सिमिलरली जो भी राइट साइड में कांस्टेंट है वो यहां पर आएंगे। तो इसको मैंने नाम दिया कैपिटल ए, इस मैट्रिक्स को नाम दिया कैपिटल ए, इस मैट्रिक्स को नाम दिया एक्स, और इस मैट्रिक्स को नाम दिया बी। तो ये क्या बन गया, ax = ba, ऐसे लिख सकता हूं ना, ओके सर। जिसमें से ए मतलब हमारा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, वो यहां पर लिखा है मैंने। एक्स मतलब हमारा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स बोल सकते हो। बी मतलब ये राइट साइड के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट, वो हमारा मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट से, क्लियर, हाँ सर, सिंपल है यहां तक, ठीक है। अब दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, एक होता है ऑगमेंटेड फॉर्म, मतलब ये दो मैट्रिक्स ए और बी को हम एक साथ दिखा सकते हैं, कैसे, उसको उसको नोटेशन है ए और बी, ए बी, ए बाय बी, कुछ भी बोलो, ये वर्टिकल लाइन है, बीच में डाल देना है, और ये ब्रैकेट है, बराबर। तो इसको ऑगमेंटेड फॉर्म क्या होता है आगे देखने वाले, डोंट वरी, ओके। तो ax = b मतलब कुछ कांस्टेंट होते हैं तो नॉन होमोजेनियस, ax = 0 मतलब राइट साइड में 0 0 होता है तो होमोजेनियस, अभी बताया था मैंने, ओके। अब कंडीशंस ध्यान में रखना है, बराबर। अब यहां पर देखो, हमको ये लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, इनको सॉल्व करना होता है, राइट, इक्वेशंस को करना क्या होता है, सॉल्व करने के लिए आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉल्व करो भाई, बराबर। तो सॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास कुछ स्टेप्स है, बस ये डायग्राम ध्यान में रखो, बहुत आसान है, बता दूंगा, बराबर। अब हम देखो नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, होमोजेनियस भूल जाओ, मतलब राइट साइड में बी रहेगा, होमोजेनियस में राइट साइड में 0 रहेगा। अभी यहां से आगे हम पहले नॉन होमोजेनियस पूरा कवर करेंगे, फिर होमोजेनियस की तरफ जाएंगे, बराबर, ओके। तो हमारा टाइप यहां पर लिखा है मैंने नॉन होमोजेनियस, ठीक है, ओके। तो नॉन होमोजेनियस ऐसा दिखता है, हाँ सर बराबर, जिसमें क्या क्या हो सकता है, m = n मतलब m मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितने हैं, 1 2 3, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, 3। n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर अननोन्स, कितने अननोन, x y z, कितनी होगी, 3, बराबर। तो यहां पर क्या होगा, अगर ऐसा है, ऐसा है यहां पर m = m is not equal to n, m is greater than n, m और n सेम नहीं है, मतलब दोनों 3 3 नहीं है, या फिर सेम है तो 3 से बड़ा है, बराबर, ये वाले टाइप में, या फिर इसको भूल जाओ अभी के लिए, ax = b इतना ही ध्यान में रखो, बराबर, ये दोनों ध्यान में मत रखो, ठीक। अगर ऐसा है, कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाता है, बराबर, तो उसको करना क्या है आपको, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर,
एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन मिला। सबसे पहले आपको उसका रैंक फाइंड करना है, क्या करना है यहां पर, एक्स इक्वल टू बी देने के बाद उसको रैंक फाइंड करना। इसको क्या करना, ऐसे फॉर्म करना, किस किस का रैंक फाइंड करना है, मैट्रिक्स ऑफ ए ये वाला और ऑगमेंटेड फॉर्म जो भी मैट्रिक्स होता है ए बाय बी, दोनों का रैंक फाइंड करना है। कैसे करेंगे रैंक आगे देखेंगे, पहले भी देखा है रैंक फाइंड करना कैसे। अगर दोनों का रैंक सेम आता है तो ये वाला, अगर दोनों का रैंक सेम नहीं आता, ए और ए ए बाय बी का रैंक अगर सेम नहीं आता है तो वो सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, नो सोल्यूशन लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है ओके। अगर इक्वल मतलब अभी इक्वल आता है, तो दोनों का रैंक अगर इक्वल आता है तो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है भाई। कंसिस्टेंट में फिर दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या हो सकता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उस सिस्टम का एक कोई एक ही सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट, वो कैसे पता चलेगा, अगर जो भी रैंक आया है वो सेम है n, n मतलब क्या है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल x y z, इसमें कितने तीन वेरिएबल, जितने वेरिएबल है उतना ही रैंक आया तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक ही मिलेगी कुछ ना कुछ, बराबर एक्स वाई जेड का एक ही सेट मिलेगा यूनिक। नहीं तो अगर रैंक जो है वो लेस देन एन आती है, रैंक कितनी आ सकती है, एक तो इक्वल टू एन आ सकती है मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर लेस देन एन आ सकती है मैट्रिक्स से ज्यादा, मैट्रिक्स के ऑर्डर से ज्यादा तो रैंक नहीं आएगी, बराबर। तो लेस देन अगर आई, एन से कम आई, तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसको, तो मतलब फिक्स वैल्यूज नहीं आएंगी, कुछ अलग फॉर्म में वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड की, इतना ध्यान में रखो, बराबर। ये इतना ध्यान में रखा तो हमारा नॉन होमोजेनियस पूरा कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो साइड में हो रहा हूं, इसको अच्छे से लिख के लेना है, बराबर, और इसको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फ्लो आपको ध्यान में, नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या करना है, रैंक फाइंड करो, रो मतलब क्या होता है रैंक, बराबर, दोनों का रैंक इसका और इसका, ए और ए बाय बी का रैंक फाइंड करो, तो अगर सेम नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, सेम आया तो दो कंडीशन है, दो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी से, दो केसेस से, कौन सी, पहली केस वो जो रैंक है अगर सेम आई नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब तीन है नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर रैंक भी तीन आई तो समझ लेना है यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन रैम उसका रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम आया, मतलब दो आया इसके केस में कम आया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बराबर, इतना ही है और कुछ नहीं करना, ठीक है ओके, राइट इट डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स। तो यहां पर ध्यान देना है, इनकंसिस्टेंट सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास क्या होता है, दो ही टाइप से मेन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो सकता है या फिर सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम हो सकता है। तो सबसे पहले इनकंसिस्टेंट वाले प्रॉब्लम देखेंगे, बराबर बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं, नॉन होमोजेनियस चल रहा है उसमें से इनकंसिस्टेंट, ओके। तो क्वेश्चन कैसे आता है सर, एग्जामाइन फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करो, मतलब कंसिस्टेंट है सिस्टम या फिर इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, बताओ। सिस्टम मतलब क्या, इक्वेशन को, चार इक्वेशन को मिला के एक सिस्टम बोलते हैं उसको, बराबर। एंड सॉल्व करो इफ कंसिस्टेंट, क्योंकि उनको पता है भाई कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व तो नहीं होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन होता है, बराबर, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व होगा, बराबर। तो हम करते हैं फिर सबसे पहले इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट जो भी है देखते हैं, ओके। तो स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप, ऑगमेंटेड फॉर्म चाहिए, राइट, ऑगमेंटेड फॉर्म बनाना है, कौन सा फॉर्म, ए बी वाला, ठीक है, दी ऑगमेंटेड फॉर्म कैसे दिखाते हैं उसको, ऐसे, ठीक है सर, ये क्या मुश्किल होता है क्या, नहीं रे बाबा, ए तो पता है ना कैसे, पहले ए लिखो उसके बाद बी लिखो, ए मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, यहां पर क्या है, कुछ नहीं मतलब वन होता है, वन वन वन, और राइट साइड का भी लिखो थ्री, हो गया ऑगमेंटेड का, टू माइनस वन थ्री वन, फोर वन फाइव टू, थ्री माइनस टू वन फोर, इसमें ऐसे एक लाइन रखो ताकि पता चले कि ए ये है और ये बी है, ए बाय बी मतलब
ए बी अलग अलग मैंने दिखाना है। आप डैश डैश भी कर सकते हो या फिर सिंगल लाइन भी दिखा सकते हो, कोई ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे डैश 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 भी दिखा सकते हो, बराबर। ये और ये, इसको ए बोलेंगे, ये बी है, और ये पूरा मिला के ए बाय बी ऑगमेंटेड फॉर्म हो गया। ओके, हमने देखा था इशलॉन फॉर्म क्या होता है। रैंक फाइंड करने के दो तरीके देखे थे, नॉर्मल फॉर्म और इशलॉन फॉर्म। तो हम आपको इशलॉन फॉर्म से करेंगे इसको। जैसे कि क्या करते थे हम वहां पर, सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो नंबर है इनका मल्टीपल है क्या है, तो ये तीनों को जीरो करो, इसको यूज करके तीनों को जीरो करो। फिर इधर देखो, ये मल्टीपल है इनका, इसको यूज करके ये तीनों को जीरो करो, इसको यूज करके तीनों को जीरो करो, मतलब लोअर ट्रायंगुलर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास वन है, इसका यूज करके ये तीन नंबर में जीरो कर सकता हूं। कैसे? सो आर वन आर टू माइनस टू आर वन करना पड़ेगा, बराबर। हाँ सर, आर थ्री माइनस फोर आर वन, क्योंकि यहां पे फोर है, और आर फोर माइनस थ्री आर वन। तो हमारा ऑगमेंटेड फॉर्म कैसे दिखेगा? ये पहले रो में कुछ चेंज कर रहे हैं क्या हम? नहीं। टू माइनस टू जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, थ्री माइनस टू वन, वन माइनस सिक्स, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, फोर माइनस फोर, फोर से मल्टीप्लाई करना है, इसको ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस, बराबर। फोर माइनस फोर जीरो, वन माइनस फोर माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर वन, टू माइनस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, माइनस टेन। अब इसको थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस टू, और फोर माइनस थ्री, थ्री जा नाइन, फोर माइनस नाइन आई थिंक ये माइनस फाइव आएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से करना पड़ेगा आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। उसके बाद अब देखो, ये तीन जीरो हो गए। उसके बाद ये वाला इसके मल्टीपल में है क्या? ये इसके मल्टीपल में है क्या? नहीं। थ्री थ्री तो है, लेकिन फाइव इसका फाइव बना सकते हैं क्या? नहीं, मल्टीपल में, डायरेक्ट मल्टीपल में होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ऐसे डिवाइड विवाइड कुछ नहीं करेगा। तो इसको यहां पर नहीं, तो हम क्या करते हैं फिर, अगर नहीं है तो यहाँ पे वन या माइनस वन लेके आते हैं। तो मुझे कुछ तो ऑपरेशन करके यहाँ पर वन या माइनस वन लेके आना पड़ेगा। रो ऑपरेशन ही करना है, रो ऑपरेशन करना है, बराबर। तो करते हैं, रो ऑपरेशन कर सकते हो या फिर डिवाइड बाय थ्री कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन डिवाइड बाय थ्री करो तो यहाँ पे वन बाय थ्री आएगा, यहाँ पर वन डिवाइड बाय थ्री आएगा, कॉम्प्लीटेड हो जाएगा। अगर सबको डिवाइड बाय थ्री से कुछ ना कुछ डिविजन होता तो मैं कर सकता था, लेकिन नहीं हो रहा। तो कुछ रो से माइनस करके देखते हैं। अब देखो, माइनस थ्री यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर इससे जीरो हो जाएगा, इससे यहाँ पर हो सकता है क्या? अगर आर फोर यहाँ पे वन लाके यहाँ पे वन बना सकते हैं क्या हम? देखते हैं। इसको माइनस फाइव माइनस, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, सिक्स हो जाएगा। माइनस फाइव प्लस सिक्स कर दूंगा तो यहां पे आएगा वन, बराबर। तो ऑपरेशन क्या बनाना पड़ेगा हमको? आर फोर माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस माइनस, यहां पे प्लस होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन हो रहे, टू आर टू। क्लियर? ये ऑपरेशन होना चाहिए। अब देखते हैं, मतलब आर फोर में चेंज होगा, बाकी कुछ कहीं पे चेंज नहीं होगा। वन 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 थ्री, यहां पे डैश 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 देना भूल गए हम, ठीक है। वन 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 थ्री, जीरो माइनस थ्री वन, माइनस फाइव, जीरो माइनस थ्री वन, माइनस टेन जीरो, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा। माइनस फाइव, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस फाइव प्लस सिक्स, यहां पे वन आ जाएगा। इसको भी टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, इसको भी टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस फाइव प्लस टेन प्लस फाइव आएगा, राइट। हाँ ओके ओके
अब सर यहाँ पे वन क्यों लेके आया आप, हमको तो यहाँ पे वन चाहिए था। अभी रोज स्वैप कर सकते हैं ना, एक्सचेंज कर सकते हैं आर टू और आर फोर को। करो फिर आर टू फोर, तो कैसे होगा आर टू फोर करने के बाद? पहला रो तो एज इट इज वन 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 थ्री, आर फोर की जगह पे आर टू, मतलब आर टू की जगह पे आर फोर, ठीक है। आर थ्री में कोई चेंज नहीं, और यहां पे आएगा आर टू, नीचे लेके आया मैं उसको, कुछ ना कुछ करके मैंने यहां पर वन लेके आया। अब करो इसको यूज करके ये दोनों को जीरो करो, तो क्या करना पड़ेगा, आर थ्री माइनस थ्री, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे माइनस है, आर थ्री प्लस थ्री आर टू और आर फोर प्लस थ्री आर टू, क्लियर? दोनों सेम है तो सेम ही करना पड़ेगा। सो वन 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 थ्री, जीरो वन माइनस फोर फाइव, जीरो जीरो, अच्छा क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं राइट, तो वन प्लस इसको थ्री से मल्टीप्लाई, बारह, वन माइनस बारह ये माइनस इलेवन, माइनस टेन माइनस पंद्रह, सॉरी प्लस पंद्रह, तो ये माइनस टेन और प्लस कर रहे हैं ना, पंद्रह पंद्रह और प्लस फाइव, ये भी जीरो, यहाँ पे जीरो, सेम यहाँ पे भी माइनस इलेवन आएगा, माइनस फाइव माइनस पंद्रह, सॉरी माइनस फाइव प्लस पंद्रह, यहाँ पे दस आएगा, बराबर कि नहीं, दस आ गया। अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको लेके ये जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पांच दस करते हैं, फिर अगला ऑपरेशन क्या होगा हमारा, अगला ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इलेवन जीरो, और यहां पर मैं यहां पे जीरो करने के लिए मुझे बस ऐड करना है, माइनस करना है, सॉरी आर फोर माइनस आर थ्री, राइट, आर फोर माइनस आर थ्री, करो वन 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 थ्री, इसको बोलना नहीं, ये वाले हम भूल गए लाइंस, आप लोग मत बोलना, ठीक है, ओके वन 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 थ्री, जीरो वन माइनस फोर फाइव, जीरो जीरो माइनस इलेवन फाइव, जीरो 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 ये जीरो, टेन माइनस फाइव फाइव, देखो हमको करना क्या था, ये जीरो करने थे हमको, इसके नीचे के जीरो, इसके नीचे के जीरो, इसको इतना ही टारगेट था, तो इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इश्लॉन फॉर्म, इश्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम इसका रैंक लिखते हैं, रैंक कैसे लिखते हैं, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लिखो पहले, रैंक ऑफ ए कितना, इसको स्टेप वन ये में ये हमने किया, इसको स्टेप टू नाम देता हूं मैं, स्टेप टू रैंक ऑफ ए लिखो, ए मतलब सिर्फ इतना देखना, ये वाला नहीं देखना, ए भी मतलब पूरा, ए सिर्फ इतना है ना, ये थ्री बाय, ये पहले तीन कॉलम्स मतलब ये है, तो उसका रैंक पहले लिखो, इसको पकड़ो, इसको मत देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो वाले एक दो तीन, ये तो जीरो रो है पूरा, क्योंकि सारे जीरो है, ये मत देखो, ठीक है, इतना ही देखो, तो रैंक कितना बन गया, ए का रैंक सिर्फ, ए मतलब यहां से यहां तक है, तो तीन बन गया बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज थी। अब रैंक ऑफ ए बाय बी मतलब ऑगमेंटेड फॉर्म, इसका रैंक मतलब अब पूरा देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, एक भी नहीं, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, सॉरी नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब जीरो वाला रो एक भी नहीं है, नॉन जीरो ही है सारे, बराबर, एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो उसको रो को नॉन जीरो ही बोलेंगे, तो यहां पर एक दो तीन चार, तो इसका रैंक बन गया चार, बराबर। देयरफॉर एज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, हमको चेक करना है ना इक्वल आया क्या नहीं आया, नॉट इक्वल आया मतलब ये सिस्टम क्या है,
इनकंसिस्टेंट सिस्टम, गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कैसे? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, दैट इंप्लाइज इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन। देज आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनकंसिस्टेंट है इसलिए इसका सोल्यूशन। तो इतना आसान है, देखो यहां से आगे वाला हमने एशलॉन फॉर्म में, ये यहां से यहां तक रैंक वाला हमने ऑलरेडी देखा है, कुछ भी नहीं है नया। नया बस हमको इक्वेशन में मिला था, इस फॉर्म में किया और एंड में, तो नया कुछ है क्या? कुछ नहीं, बराबर। सो राइट इट डाउन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला सवाल आप खुद करेंगे, सेम सेम, बराबर, कुछ नया नहीं है। बस आपको मैट्रिक्स में इसको इशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, जैसे ही मैंने किया, बराबर। तो इसका मैं आंसर भी आपको बता देता हूं। तो इसमें आंसर आता है, इसका रैंक ऑफ कोर्स हम इनकंसिस्टेंट टाइप देख रहे हैं, बराबर, रैंक ऑफ ए टू आता है और रैंक ऑफ ए बाय बी इसका 3 आता है, नॉट इक्वल है, मतलब आपको आंसर तो इनकंसिस्टेंट आने वाला पता है, लेकिन ये रैंक इतना आना चाहिए, और ये वाला सॉल्व करो, ठीक है।